संध्या जी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे रोस्टेड नमकीन पोहा, जिसको बनाकर आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और चाय के साथ सफ़र में भी ले जा सकते हैं, कभी भी कहीं भी खा सकते हैं। तो चलिए, इसको बनाने के लिए पहले हमने रखा है गैस पे कढ़ाई, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम पोहा। तो पोहा को हम पहले अच्छे से भून लेंगे। तो चलिए, तेल गर्म हो गया है, पोहा डाल देते हैं। इसको भुनने में कम से कम 4-5 मिनट लगता है और जब ये क्रिस्पी बिल्कुल हो जाएगा तब इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे दोस्तों, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये एक तरफ से जल जाएगा, फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। और ये देखिए, जब ये कुरकुरा हो जाएगा, हाथों से मसला जाएगा, तो इसे हम गैस को बंद करके इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, पूरा हमारा पोहा भुन गया है अच्छे से, तो इसको हम निकाल लेते हैं। और इसी कढ़ाई में डाला है मैंने थोड़ा सा और तेल, और इसमें डाला है सरसों का दाना, थोड़ा साबुत धनिया डालेंगे और मूँगफली का दाना डालेंगे। मूँगफली को गुलाबी होने तक भुनेंगे दोस्तों। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता और काजू, थोड़ा सा नारियल भी डाल सकते हैं काटकर, पर अभी है नहीं मेरे पास, जैसे मैंने डाल रही हूँ, नारियल का बुरादा रखा हुआ है। और चलिए, इसमें एक हरी मिर्ची भी काट दिया है मैंने, और इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा हल्दी, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो ये तेज़ हो जाता है। और इसमें भुना हुआ चना डाल देते हैं, थोड़ा सा नमकीन सेव डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें पोहा, तो इसमें मैंने पोहा डाल दिया है पूरा भुना हुआ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर डाल देंगे दोस्तों, उससे ये और चटपटा बन जाता है। और चलिए, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। गैस को बंद कर दिया है मैंने, अब इसे हम एक बड़ी सी थाली में निकाल लेंगे और थोड़ा फैला के ठंडा कर लेंगे। और ठंडा जब हो जाएगा तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए और इन्जॉय करिए। तो नमकीन पोहा की कैसी रेसिपी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।